कबीरदास के दोहे। प्रस्तुत दोहों में कबीरदास जी ने गुरु महिमा, शरीर की नश्वरता, परमात्मा की सर्वव्यापकता, भक्ति भावना एवं नीति परक उपदेश आदि गुणों पर प्रकाश डाला है। साधु सीप समुद्र के सतगुरु स्वाति बूंद, तृषा गई एक बूंद से क्या लो करो समुद्र। इस दोहे में संत कबीरदास जी गुरु के महत्व के बारे में कहते हैं, बताते हैं। साधु संत एवं ज्ञानी समुद्र की सीप के समान होते हैं। सदगुरु स्वाति नक्षत्र की अनमोल पानी की बूंद के समान है। जैसे एक सीप सागर के बीच में रहते हुए भी सिर्फ स्वाति नक्षत्र में गिरी बूंद को भी अपनी अंदर ग्रहण करती है, उसे सागर के पानी से कुछ लेना देना नहीं होता, वैसे ही साधु चारों तरफ फैली माया से आकर्षित नहीं होते हैं, बल्कि सदगुरु के ज्ञान उपदेश से मन की सारी प्यास मिट जाती है, वे उन्हीं से संतुष्ट बनते हैं। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। संसारी जीवों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हुए संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कुमार शिष्य मिट्टी के कच्चे गंडे के समान है। जिस तरह कुमार अनगढ़ मिट्टी को तराश कर उसे सुंदर गड्ढे की शक्ल देता है, उसी तरह गुरु भी अपने शिष्य को हर तरह का ज्ञान देकर उसे विद्वान और सम्माननीय बनाता है। गुरु अपने शिष्यों के साथ कभी कभी कड़ाई से भी पेश आ सकता है, लेकिन जैसे एक कुमार गड्ढा बनाते समय मिट्टी को खड़े हाथों से गूंथना जरूरी समझता है, वैसे ही गुरु को भी ऐसा करना पड़ता है। जैसे यदि आपने किसी कुमार को गड्ढा बनाते समय ध्यान से देखा होगा तो यह जरूर गौर किया होगा कि वह बाहर से उसे तपतपाता जरूर है, लेकिन भीतर से उसे बहुत प्यार से सहारा भी देता है। उसी प्रकार शिष्य को कठोर अनुशासन में रखकर अंदर से प्रेम भावना रखते हुए शिष्य की बुराइयों को दूर करके संसार में सम्माननीय बनाता है। कबीर देख्या एक अंग महिमा कहीं ना जाई, तेज पुंज पारस गणों नैनु रहा समाई। इस दोहे में कबीरदास ईश्वर की महिमा के बारे में बताते हैं। कबीरदास कहते हैं कि मैंने ईश्वर के अंग का दर्शन किया है, लेकिन मैं उसकी महिमा के विषय में बखाना नहीं कर सकता। वह अमित और प्रकाशवान है, जिसकी महिमा का वर्णन कर पाना संभव नहीं होता। ऐसे परमात्मा प्रकाश के पुंज और पारस की भांति से है, जिसे समझ पाना संभव नहीं है। वह अपने प्रभाव से ही साधक को वर्ण में तब्दील कर देता है। उसके अनंत सौंदर्य का प्रकाश मेरे नयन में समा चुका है। जाके मुँह माता नहीं ना ही रूप कुरूप, पुहुप वासते पात्रा ऐसा तत् अनूप। इस दोहे में कबीरदास निर्गुण निराकार ब्रह्मा के संबंध में बताते हैं। निराकार ब्रह्म
का कोई निश्चित रूप नहीं होता, उसका मुख और मस्तक नहीं है, वह सुंदर असुंदर से परे है, उसका कोई लक्षण नहीं है। हम मंदिर, देवालय और मूर्तियों में एक रूप में डाल कर देखते हैं, यह सत्य नहीं है, क्योंकि वह तो निराकार है, निराकार होकर भी साकार है, कण कण में व्याप्त है, जिसके अस्तित्व को समझा जा सकता है। कबीरदास जहाँ मूर्ति पूजा का विरोध किया, वहीं पर लोगों को धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वास के प्रति जागृत किया और समझाया कि ब्रह्म को कहीं ढूंढने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं, वह तो हमारे ही घट में है। भाव है कि ब्रह्म का वास पुष्प की सुगंध से भी सूक्ष्म, वह अनुपम तत्व है। बिरहा बुरा जिनी कहे, बिरहा है सुल्तान, जिहि गटी बिरह न संचरे, सो गट जमा मसान। इस दोहे में कबीरदास परमात्मा के दर्शन के लिए ललायित आत्मा की विरह व्यथा का चित्रण प्रस्तुत करते हैं। कबीर का कहना है कि विरह तो बादशाह है, उसको बुरा ना कहना। भक्त के हृदय में भगवान के प्रति विरह की भावना होनी चाहिए। जिस जीव में विरह की भावना ना हो, वह जीव शमशान के समान होता है। विरह से ही जीवन का संचार होता है। विरह के अभाव में शरीर मृत तुल्य हो जाता है। विरह भुअंगम तन बसई, मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो भौरा होई। विरह रूपी सांप शरीर रूपी इस भांबी में घुसा हुआ है, इस पर किसी प्रकार के मंत्र का कोई प्रयोग नहीं हो सकता। भगवान का सच्चा वियोग वियोगी जीवंत रह नहीं सकता। अगर राम के वियोग जो जीवित रहता है, लोग उसे पागल कहता है। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे ता साती, डबका लगा फूटी गया, कछूना आया हाथी। इस दोहे में कबीरदास जीवन की नश्वरता के संबंध में बताते हैं। जीवन क्षण भंगुर है, अतः इसके आकर्षण में पड़ना मूर्खता है। यह शरीर कच्चे कुंभ के समान है, एक छोटा सा धक्का लगने पर भी यह गड़ा टूट सकता है, इसके बाद कुछ भी नहीं बच सकता। इस पर हमें अभिमान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि काल के सामने हमारा कुछ भी नहीं चल सकता। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह ना बारंबार, तरवर तय फल जड़ी पर्चा, बहुरी ना लागे धार। इस दोहे में कबीरदास अनमोल मनुष्य जन्म के महत्व के बारे में बताते हैं। यह मनुष्य जन्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अपने पूर्व जन्म के सत्कर्मों के फल के कारण यह जन्म प्राप्त होता है। मानव जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता है। जैसे फल एक बार पेड़ से टूट कर गिर जाता है, वह दोबारा डाल से मिल नहीं पाता। ऐसे ही यदि मनुष्य जन्म एक बार हाथ से निकल गया तो पुनः इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस देह को पाकर हरि का सुमिरन करना चाहिए।
कबीरा यह तन जात है, सकई तो लेहु बहोरी। नांगे हाथों ते गए जिनके लाख करोड़। महात्मा कबीरदास इस दोहे में मानव जीवन के नश्वरता का उल्लेख करते हैं। मानव अपने जीवन को बड़े विलासता में व्यर्थ कर रहा है। यह शरीर नष्ट होने वाला है, यदि तुम चाहो तो इसे रोक लो। माया तो किसी के हाथ नहीं जानी है। जिनके पास लाख करोड़ थे, अपार धन थे, वे भी काली हाथ ही इस जगत से रुखसत हुए हैं। यही सृष्टि का नियम है। इसलिए जीवन को मोड़ने का एकमात्र तरीका है कि हरि के नाम का सुमिरन करना और सत्कार्य में अपना जीवन लगाना, जिससे जन्म मरण की चक्र से मुक्ति मिलेगी। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होई, शीश चढ़ाए पोटली ले जात ना दे क्या कोई। इस दोहे में कबीरदास मनुष्य को भक्ति साधना रूपी संपत्ति का चयन करने के लिए कहते हैं। कवि कहते हैं, हमारे आगे के जीवन में काम आने वाली संपत्ति का अर्जना करना चाहिए। हमारे यह लौकिक संपत्ति का कोई फायदा नहीं है, अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। अतः इस नश्वर जीवन को भगवान की भक्ति में सार्थक बनाना चाहिए।